सरकार तो बदलेगी, बदलना है, पर लेकिन अपने किसानों के हित में कोई काम नहीं हो रही, न बीजेपी की सरकार द्वारा हो रहा है न कांग्रेस की सरकार द्वारा हो रहा है। ऐसा क्यों आपको लगता है? क्या है, चुनाव होने के बाद सब भूल जाते हैं, सब अपने अपने इसमें लग जाते हैं। अभी जैसे आएंगे नेता लोग, बड़े बड़े वादे करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। तो क्या लगता है, आपने बताया कि कांग्रेस भी ने भी नहीं किया, बीजेपी ने भी नहीं किया, किसी से उम्मीद नहीं बची, या आपको लगता है क्या हो सकता है? उम्मीद का क्या है सर, भरोसा ही नहीं कर सकता। अच्छा, भरोसा नहीं। तो ये तो कह रहे हैं कि एमपी के मन में मोदी है, ये विज्ञापन चल रहा है। क्या है सर, सब अपने अपने मन की बात बोलते हैं। ये देखिए, गांव में एक बहुत ही पुराने तरह का एक पान की दुकान एक नजर आ रही है, जो बिल्कुल बहुत ही अलग तरह से। ये आपकी पान की दुकान, ये और कुछ कुछ भी बेचते हैं इसमें, क्या क्या चीजें? पान की दुकान है, सिर्फ पान की दुकान और कुछ रखते हैं साथ? नहीं, पिपरमेंट बिस्किट शक्कर, पिपरमेंट बिस्किट। कब से लगा रखे हैं ये? दो एक साल हुआ लगा रहे, तो सौ क्या डाल दिए। हाँ जी। तो और क्या करते हैं इसके अलावा? खेती है जी। अच्छा, हाँ। तो ये एक इस दुकान से काम चल जाता है पूरे गांव का? नहीं जी, बहुत दुकानें हैं, पांच दुकानें हैं। अच्छा, हाँ। तो ये पान का एक बहुत पुराना तरीका का है, कुछ अलग तरीके, मतलब यानी जो है एक छोटी सी खिड़की आपने बस खोल ली है और उसमें पान बना रहे हैं जी। पान खाते हैं लोग यहाँ? खाते, गुटखा खाते हैं, गुटखा खाते हैं जी। अच्छा, पान गुटखा ज्यादा चलता है ना। खेती का आपने बताया, खेती मतलब क्या क्या लगता है यहाँ? भटे लगाते हैं। अच्छा। भटे, प्याज, लौकी। अच्छा, भिंडी भी लगाते हैं, गौर फली भी लगा लेते हैं। यहाँ सब्जी की खेती लगाते हैं जी, मतलब पानी उपलब्ध नहीं है, पानी उपलब्ध नहीं, नदी है, लाइन मिलती नहीं जी, बिजली। हाँ जी। अच्छा, यानी वो 8 घंटे मिलती है। अच्छा, हाँ। इस कारण से नहीं जी, लाइन कटौती चलती है जी। मतलब कितना? 8 घंटा, 24 घंटे में 8 घंटा लाइट मिलती हो गया सिर्फ। अच्छा, क्या कर लेगा किसान उसके लिए? ओ, तो ऐसी स्थिति क्यों है? क्या बिजली का उत्पादन नहीं है मध्य प्रदेश में? पता नहीं, अब मालूम नहीं है। क्या बिजली का बिल वगैरह यहाँ पे आता है? बिल तो 12 महीने में 2 बार देना पड़ता है। 700-700 रुपए आता है, 750 यानी 12 महीने का 1500 रुपए। अच्छा, तो 6 महीने बिल पटाना पड़ता है ग्रामीण जी, सिंचाई के लिए। सिंचाई? अच्छा, तो पानी जो नदी है यहाँ पे नजदीक, वहाँ से पानी नहीं मिल पाता? नदी में पानी नहीं है जी। अच्छा, मुख्य बात यहाँ है फतरीली जमीन, मुरमाड़ी जमीन रहती, मुरम वाली। अच्छा, उसके में पानी अधिकता रहता है। आपने कभी बोले नहीं कि बिजली पूरे टाइम आना चाहिए नेताओं से, या जो वोट मांगने आते हैं उनसे कभी ऐसा? अजी नहीं, पहले तो थी। हाँ। पहले 24 ही घंटा चलती थी। मतलब कब की बात है? यानी 10-8 साल हो गया क्या? 8 साल हो। अच्छा, ये अभी 8 घंटा वाली लाइट लगी है अलग से, तो उसके बाद से ये चालू हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है? ये क्या गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम थी, उसके तरह से मतलब खेती की लाइट को सेपरेशन कर दिया गया गांव की लाइट से। अच्छा, तो खेतों में जो है लाइट अलग से ही आई है, मतलब कहना चाहिए जो मेन इससे, तो खेत की लाइट सेपरेशन 8 घंटा हुई है, तो उसमें दिन में मिलती है हमको 4 घंटा और फिर रात में मिलती है 4 घंटा। अब रात का टाइम कभी 10 बजे से 2 बजे तक आती है, कभी 2 बजे से 6 बजे तक आती है। अच्छा, जैसे 10 बजे से अगर 2 बजे तक रहती है तो फिर दिन में वो लाइट 12 बजे से 5 बजे तक रहती है। अच्छा, और फिर जैसे 2 बजे से 6 बजे तक सुबह के टाइम जो रहती है लाइट, तब फिर 12 बजे से सुबह 8 बजे से 12-1 बजे तक रहती है, यानी 2 शिफ्ट बना दिए उसका भी, 4-4 घंटे। तो रात में जाके आप लोग पानी चलाते हैं फिर? वो क्या है, फिर समस्या को देखते हुए मोटर को चालू रखना पड़ता है, उसी पीरियड में अगर लाइट खराब आ गई तो फिर जो अपना पानी का पंप है खराब हो जाता है, जैसे लाइट का वोल्टेज आ गया तो फिर खराब हो जाता है, इसलिए रात में बंद रखा जाता है। आप लोगों ने कभी मांग नहीं की सरकार से या ऐसे इस तरह से? मतलब जिस टाइम सेपरेशन हुआ उस टाइम हम लोगों ने कटंगी में जाकर के करीब करीब पांजरा, जरा मोगाव, गजपुर, टट्टीकसा, 5-7 गाँव के लोगों ने जाकर के वहाँ पे बिजली ऑफिस में जाकर आंदोलन किए थे, और करीब करीब 8-10 दिन तक तो भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, उसके बाद भी समझा बुझा करके वापस कर दिए, उसके बाद कोई फायदा नहीं मिला। नेता वालों को आए सामने, लेकिन सब फिर बाद में चले गए अपने अपने जगह।
कौन है इधर के विधायक आप? अभी वर्तमान में तो टामलाल सहारे जी है। अच्छा, कौन सी पार्टी से? वो कांग्रेस पार्टी से। उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की आपको लगता है? कोई व्यवस्था नहीं है बिजली के हिसाब से, नहीं। अब आपको लगता है कि कौन करेगा, क्या बदलना चाहिए? सरकार तो बदलेगी, बदलना है, पर लेकिन अपने किसानों के हित में कोई काम नहीं हो रही, ना बीजेपी की सरकार द्वारा हो रहा है ना कांग्रेस की सरकार द्वारा हो रहा है। ऐसा क्यों आपको लगता है? क्या है, चुनाव होने के बाद सब भूल जाते हैं, सब अपने अपने इसमें लग जाते हैं। अच्छा, अभी जैसे आएंगे नेता लोग, बड़े बड़े वादे करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। आप पढ़े लिखे लग रहे, कहाँ तक पढ़ाई? जी मैं कॉलेज किया हूँ। कॉलेज? हाँ। तो अभी क्या कर रहे हैं? मैं खेती के साथ में प्राइवेट काम भी करता हूँ अपना। प्राइवेट मतलब क्या काम करते हैं? जो केमिकल डोर्स हो गया, विंडो हो गया, एल्युमिनियम विंडो, अच्छा, इसका काम करता हूं। मतलब आप स्वरोजगार से लगे हुए हैं, तो कभी आपको लगा नहीं कि सरकारी नौकरी आपको मिलनी चाहिए या सरकारी? सर क्या है, मैं मतलब 1998-99 में मतलब पास किया हूँ, तो उस समय क्या है अपने पास पूंजी कम थी, पढ़ाई के संसाधन कम थे, उस वजह से हम लोग गांव में ही लटक गए। अच्छा, तो नहीं, सरकारी नौकरी यहाँ पे कितने लोगों को मिली है पूरे गांव में अगर देखा जाए तो? देखा जाए तो मुश्किल से 6-7 लोग को है बस। बस बस इतने सालों में? हाँ, अभी तक के लोग सरकारी नौकरी में नहीं गए? नहीं। कारण? कारण वही, यहाँ से क्या सब दूर पड़ता है, पढ़ाई लिखाई के संसाधन छूटे दूर थे। अभी अब हुए करीब में, जैसे जरा मुगाव में पहले हाई स्कूल थी तो 10वीं तक ही थी, उसके बाद में अगर हाई स्कूल के लिए जाना पड़ता तो या तो कटंगी या बुदबुदा या वारशिवनी, दूर पड़ता था तो नहीं जा पाते थे लोग। तो क्या लगता है, आपने बताया कि कांग्रेस भी ने भी नहीं किया, बीजेपी ने भी नहीं किया, किसी से उम्मीद नहीं बची, या आपको लगता है क्या हो सकता है? उम्मीद का क्या है सर, भरोसा ही नहीं कर सकता। अच्छा, भरोसा नहीं है तो? ये तो कह रहे हैं कि एमपी के मन में मोदी है, ये विज्ञापन चल रहा है। अब क्या है सर, सब अपने अपने मन की बात बोलते हैं। आप लोगों के वोटर के मन की बात कोई नहीं बोल रहा है आपको लग रहा है? हाँ, सब अपने मन की बात करते हैं। सब अपना अपना मतलब राजनीतिक सत्ता के लिए कोई भी प्रलोभन दे देते हैं, लोग उसी बीच में आ जाते हैं और वोट दे देते हैं अपना। तो इस बार लाडली लक्ष्मी का प्रलोभन काम करेगा? लाडली लक्ष्मी का प्रलोभन तो ऐसा सर अच्छी योजना है। लाडली बहना ये तो अपने दिमाग के बाहर है सर। क्यों? ये सब जबरदस्ती में गवर्नमेंट पे मतलब उसका बोझ पड़ रहा है। अच्छा, इसका इससे लोग प्रभावित नहीं होंगे आपको लगता नहीं? इससे मुझे नहीं लगता कि इससे प्रभावित होगी जनता। अच्छा, महिलाएं इससे प्रभावित नहीं होंगी, खुश नहीं है महिलाएं? अच्छा, तो आपको क्या क्या होना चाहिए गाँव में? आप तो काफी बुजुर्ग है, बहुत समय से इसको देख रहे हैं गाँव में, और क्या सुविधाएं चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? तो वही होना चाहिए कि अपने सीधे का सर बांध का पानी अर्जुनी नहर फाटा में गिरा है तो पांजर में पानी की सुविधा हो सकती है। अच्छा, यही किसान की मांग है, और यहाँ कोई भी नेता आता है लालीपाप देता है और चले जाता है। अच्छा, कोई कांग्रेस का है या बीजेपी का है, वोट लेते तक सब लालीपाप देता है, उसके बाद में अपने जगह निकल जाता है, कोई यहाँ फायदा किसान को नहीं हो रहा है दो चार गांव में। वो तो कह रहे हैं कि ओबीसी मुख्यमंत्री बनेंगे और ओबीसी मुख्यमंत्री बनने से बहुत फायदा होगा ओबीसी को। आप ओबीसी हैं? जी, अब ओबीसी का है ठीक है, प्रधानमंत्री जी भी ओबीसी हैं जी, तो फिर कोई फायदा नहीं आपको? अभी तो यहाँ अपने कोई फायदा नहीं ना, किसान के लिए तो पानी की भारी व्यवस्था होना चाहिए, किसान को पानी मिले तो खेती कर सकता है, नहीं तो वही है सूखा राहत में रह सकता है। और उसके बाद मोटर पंप भी तो 8 घंटे की बिजली मिलती है, 8 घंटे में किसान क्या कर लेगा? जैसे 24 घंटे में अपने घर की पर्याप्त बिजली होती है, खेत की नहीं होती, तो 4 घंटे में किसान खेत में जाएगा और क्या कर लेगा? रात में तो मरने जाएगा ही नहीं, कैसा पेट्रोल यानी अन्य चीजों का डर लगता है जी। कुछ किसान क्या है, मोटर चालू रख देते हैं, अब उसमें लाइट आई तो अच्छी ठीक है, नहीं तो मोटर जलते नहीं, किसान को इसी प्रकार से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए किसान रात में नहीं जा पाता, ये कंडीशन। तो आपको क्या लग रहा है इस बार बदलेगा? अब देखो अब क्या होता है आगे। अब नहीं, क्या कह रहे गांव की हवा, क्या कह रही आपकी, आपके क्षेत्र में क्या कह रहे हैं? अपने यहाँ तो अभी ऐसा है, चल ही रहा है, अब बदलने की अब आगे अब प्रोसीजर होगी उसकी, अब अभी तो कुछ नहीं कहते, संभावना है। हाँ।